अमेरिका भारत को रोकने की सोच रहा था, पर भारत इतना आगे निकल चुका है कि अमेरिका अपने आप पर ही शक करने लगा है कि आखिर ये हो कैसे गया। दरअसल अभी अमेरिका में भारतीय कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है, और इसमें सबसे ज्यादा रोचक बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं चाहते हैं, फिर भी वह भारतीय कारों को अमेरिका आने से रोक नहीं पा रहे हैं। अमेरिका की भारत से नाराजगी का सबसे बड़ा कारण वहां की सबसे फेमस मोटरसाइकिल हार्ले डेविडसन पर भारत सरकार पर ज्यादा टैक्स लगाना है। अमेरिका का मानना है कि भारत जानबूझकर अमेरिकी वस्तुओं पर ज्यादा टैरिफ वसूलता है, जबकि अमेरिका कम टैरिफ लगाता है। इसी बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कई बार नाराजगी जता चुके हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हार्ले डेविडसन पर मामूली सा शुल्क कम कर दिया गया था, जिस पर अमेरिका ने नाराजगी जताई थी, लेकिन भारत ने ट्रंप की उस नाराजगी को अनदेखा कर दिया है। अब आयात निर्यात के नए आंकड़े सामने आने पर पता चला है कि अमेरिका में भारत में बनी कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर काफी सख्ती दिखाई और कईयों पर टैरिफ भी बढ़ाया, लेकिन इसके बाद भी अमेरिका भारतीय कारों के लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। मार्च 2019 में समाप्त वित्त वर्ष के दौरान भारत से करीब 65 करोड़ डॉलर मूल्य के बराबर की कारों का निर्यात अमेरिका को किया गया है। वही मार्च 2018 तक भारत ने कुल 30 लाख डॉलर मूल्य के बराबर की कारें अमेरिका को निर्यात की थी। इस प्रकार मार्च 2018 तक भारत अमेरिका को कार निर्यात करने वाले शीर्ष 80 देशों में भी शामिल नहीं था, लेकिन अब ये आंकड़ा बदल चुका है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया की वजह से अमेरिकी ऑटो कंपनी फोर्ड मोटर्स ने पिछले साल से अपने लोकप्रिय एसयूवी मॉडल इको स्पोर्ट्स को भारत में बनाकर अमेरिका को निर्यात करना शुरू कर दिया है। इसके लिए फोर्ड मोटर्स की भारतीय इकाई फोर्ड इंडिया ने तमिलनाडु के चेन्नई मैन्युफैक्चरिंग में प्लांट लगाया है। फोर्ड ने हाल ही में भारत से पैसेंजर गाड़ियों के निर्यात के मामले में कोरिया की कंपनी हुंडई को पीछे कर पहला स्थान हासिल किया है। 2017-2018 के दौरान फोर्ड ने भारत से कुल 90,500 इको स्पोर्ट्स गाड़ियों का निर्यात किया था। मार्च 2019 तक 1.69 अरब डॉलर वैल्यू की कारें मैक्सिको को निर्यात की गई थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका का स्थान रहा, जिससे 66.6 करोड़ डॉलर वैल्यू की कारें निर्यात की गईं। इको स्पोर्ट्स के उत्पादन के लिए फोर्ड के 6 वैश्विक केंद्रों में से अब एक भारत भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार अमेरिकी ऑटो कंपनियों को घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कह रहे हैं। पिछले साल उन्होंने फोर्ड सहित कई अमेरिकी ऑटो कंपनियों को घरेलू स्तर पर अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए कहा था। इसके बावजूद अमेरिकी कंपनी फोर्ड भारत में अपना उत्पादन बढ़ाकर अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रही है, और इसे भारत सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की बड़ी सफलता माना जा रहा है।